टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 3rd ऑफ अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि शो का बस पहले से ही कितना ज्यादा है, ऐसे में फैंस की भी एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गई है। आइए आज आपकी एक बार फिर से मुलाकात करवाते हैं बिग बॉस सीजन 14 के पहले कंटेस्टेंट जान कुमार सानू से, जिन्होंने सलमान खान के साथ अपनी पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जान, आपसे मैंने अभी तक जितनी बातचीत की, मुझे आपके अंदर बहुत मासूमियत और आपकी उम्र बहुत कम लगी, और आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे, ये बहुत अच्छी बात है। सलमान खान ने क्या सलाह दी, उनसे किस तरह की बातचीत हुई, क्या टिप्स दिए उन्होंने? तो सलमान सर से जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मुलाकात हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। मैं एक्चुअली कांप रहा था। मैंने उनको ये बात बताई भी कि सर, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। तो सलमान सर ने मुझे यही बोला कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घर पे रहो जब तक बिग बॉस के घर ना जाना पड़े, एंड टास्क पे ध्यान दो, कुछ घर के काम जो आप करते आ रहे हो उन पे ध्यान दो, एंड थोड़ा डाइट वाइट पे ध्यान दो, एंड फिट रहो सो दैट आप टास्क को अच्छे से निभा पाओ। एंड उन्होंने ये भी एक मतलब सजेशन दिया, जोक के तौर पे दिया, कि बिस्तर के नीचे घुस जाओ और 4 दिन तक मत निकलो। तो सलमान सर ने काफ़ी सारे एडवाइसेस दिए मैम मुझे, एंड मैं उन सबको अपने दिमाग में रखकर फॉलो कर रहा हूँ जितना मुझे हो सके। कभी इससे पहले सलमान खान से मुलाकात नहीं हुई थी आपकी? नहीं, मैं इतना लकी नहीं रहा कि मैं एक्चुअली सलमान सर से इससे पहले मिल सकूं। हालांकि मेरे डैड ने काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया गाने गाए सलमान सर के साथ, बट नहीं, मैं इतना लकी नहीं था कि मैं सलमान सर से इससे पहले मिल सकूं। एंड इस बार जो मैं उनसे मिला, मैं काफ़ी नर्वस था। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आपके पापा ने जितने गाने गाए हैं उसमें अधिकतर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग रोमांटिक हैं, घर में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? सॉरी, घर आपके घर में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? हाँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पापा ने मैक्सिमम गाने रोमांस वाले गाए हैं। राइट, आई थिंक पापा ही, बिकॉज उन्होंने इतने रोमांटिक गाने गाए, उन्होंने इतने लोगों में इतना प्यार जगाया है, तो आई थिंक मेरे पापा ही सबसे रोमांटिक हैं। जब पापा के साथ कोई गाना गुनगुनाते हैं तो वो कौन सा गाना होता है जो हमेशा बाप बेटे गुनगुनाते हैं घर में कभी? किशोर दा के काफी सारे गाने हैं जो डैड मेरे साथ काफी मतलब डिस्कस करते हैं, गाते भी हैं, और वैसे तो मैं डैड के काफी सारे गाने गुनगुनाते रहता हूँ, तो कभी उनको ऐसा मन हुआ तो वो भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं गाने में। बट ये जब हम मिलते हैं तभी होता है, बिकॉज मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ पला बड़ा हूँ, माई पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन आई वाज बॉर्न। तो मिलते हैं तो बहुत गानों की बातें होती है, एंड मोस्टली किशोर दा की और डैड के ही गानों की बातें होती है, और मैं ज़्यादातर उनको ये पूछते रहता हूँ कि ये गाना आपने कैसे गाया, तो मैं उनका दिमाग खाते रहता हूँ कि मुझे टिप्स दो, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड हमेशा मेरे डैड मुझे बहुत गाने के मामले में तो डेफिनेटली मुझे एडवाइस या कोई टिप्स हो या कहीं मुझे कुछ बाधा हो, कोई गाना मुझे समझ नहीं आ रहा जो उन्होंने गाया, तो ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड मी एंड एडवाइस मी ऑन म्यूजिक।